तो यहाँ पे है मेरा आउटफिट, मैं भी लिखवाने जा रही हूँ पीछे, मैं पूरा नाम लिखवा डिजाइन से बनाया। हाय गाइस, हाय, वेलकम बैक वंस अगेन, वेलकम बैक टू शाइस्टल्स ब्लॉग। तो ब्लॉग है मेहंदी का। अरे दो डब्बे मिठाई वहाँ रखी हुई है यार, खराब जाएगी। कैसे हैं आप लोग, क्या बोल रहे हैं? अरे तेरी मेहंदी है, तेरी मेहंदी के लिए रेडी होने जा रही हूँ मैं। एक घंटे के अंदर मेहंदी स्टार्ट हो जाएगी। अभी सब लोग गए हैं मेहंदी को, कुछ कोई रसम होती है उसके लिए। चाक पूजन है, चाक पूजन है। हाँ, तो मैं तो रेडी नहीं हुई थी, पजामा टी शर्ट में हूँ। तुझ पे फोकस है, मुझ पे फोकस ही नहीं है। मयंक और ये लोग क्या कर रहे हैं? पता है, यही सही सही बंदा इस टाइम पे। मयंक और ये सब लोग खेल रहे हैं क्या? बैडमिंटन। अक्षय ने मना कर दिया क्योंकि उसने बोला मेरा फेशियल खराब हो जाएगा। अच्छा खासा गोया वोरा हो रखा मैं, बाद में मिट्टी चिपक जाएगी ब्रो। तो मैं नहीं सोचा, चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, शाम से कर रहे हैं। इतना ज़्यादा टायर्डनेस है ना आज, मतलब पता नहीं कल से बॉडी इतनी थकी हुई है शादी से, मतलब सगाई से, कुछ करने का ही दिल नहीं कर रहा। मतलब लग ही नहीं रहा कि कुछ अंदर से करूँ। सबसे पहले रेडी होने वाला इंसान जो है वो ये है, ये कभी भी टाइम खराब नहीं करता। गाइस दीदी को कॉम्बिनेशन देखो, हल्दी में इन्होंने रेड पहना था और मेहंदी में येलो पहन रही है। तो यहाँ पे है मेरा आउटफिट, मैंने कैमरा सेट करा है अभी कैमरा। तो ये मेरा आउटफिट है, ये है ग्रीन कलर का सूट जो कि काफ़ी प्यारा है, सीक्वेंस सूट, शरारा सूट है। दुपट्टा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट या जस्ट स्लीवलेस सूट और ये लूज है। मेरे को कपड़े का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव मेनी मेनी जोड़ास, बट द थिंग इज़ कि मेरे को कोई भी मेरी इस जगह पे फिट होने में ही मुश्किल है। यहाँ पे बस एक ये कुछ ही सूट हैं जो मेरे लूज थे, मतलब जो मुझे मिले थे, जिनको मैंने ऑल्टर नहीं कराया था, बस वही सूट मुझे चल रहा है। तो मैं वो नहीं में से ये सिलेक्ट कर रही हूँ। हल्दी के लिए भी हो गया था, मेहंदी के लिए हो गया, कल के लिए तो मेरा आउटफिट वहाँ पर रेडी है कोने में। ओके, तो मैं फ्रेश होके पहन लिया है अपना कपड़ा, अपना कपड़ा आ गया शायद। मेकअप का मुझे टाइम नहीं मिला, मैं अभी नीचे जा रही हूँ, पहले ऐसे ही जा रही हूँ। तो ये कोई रस्म होती है जिसमें देवर जो होता है सबसे छोटा भाई, वो कुछ बांधता है, मुझे नहीं पता। तो सबसे छोटा यहाँ पे है बुआ का बेटा प्रियांशु, तो उसने किया है, और घर की बहू मैं हूँ, तो मुझसे भी एक छोटी सी रस्म करवाई थी घड़े में पानी में जौ डलवाने की, वो रस्में हो गई। मेहंदी आर्टिस्ट जो है वो आ चुकी है नीचे। हाय गाइस, सॉरी टू इंटरप्ट यू व्लॉग में, बट गाइस ईद बहुत ही करीब है, तो मैंने कुछ ज्वेलरी पीसेस ईद के लिए ऑर्डर किए थे जो कि डिलीवर हो गए हैं। अगर चीजें आपको मंगानी है जो आप चाहते हैं तो आप उनको मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं। मीशो पे डिलीवरी काफी फास्ट है इस टाइम पे, एंड वो काफी सेफ्टी मेजर्स भी रख रहे हैं। तो मैंने कुछ आउटफिट्स भी ऑर्डर किए हैं जो कि जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो मीशो इज इंडियाज नंबर वन अर्निंग ऐप, जहाँ पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, आप वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। ज्वेलरी पीसेस हैं जो मैं आपके साथ क्विकली शेयर करूंगी। आई थिंक अगर आप चाहें तो ईद के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, विद इन अ 5 डेज के अंदर वो डिलीवर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से अगर आप मीशो ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा 100 रुपीज का ऑफ या फिर 30% ऑफ। हाँ, तो आपको जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाने वाली हूँ उन सबके कोड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप उनको सर्च करके उन प्रोडक्ट्स तक जा सकते हैं। सबसे पहला है वो मैंने वेयर भी किया हुआ है, दीज आर ऑक्सीडाइज सिल्वर कलर के इयररिंग्स, बहुत सस्ते भी हैं, 145 रुपीज में 199 के अंडर में आपको मिल जाते हैं। सो प्रिटी। नेक्स्ट जो है वो मेरे फेवरेट हैं, वो बहुत क्यूट हैं। तो ये हैं बहुत खूबसूरत से इयररिंग्स, अमेरिकन डायमंड्स जिसे कहते हैं, या स्टोन, व्हाइट स्टोन्स विद पर्ल वर्क, दे आर सो सो नाइस। लाइक यू नो, अगर आपको बहुत हैवी आउटफिट है, ज्वेलरी बहुत लाइट रखनी है, तो दीज आर सो प्रिटी। लाइक ये 200-189 के हैं। एंड इसी तरीके से सिमिलर एक और मुझे दिख गया था, लुक एट द पैकेजिंग गाइस, इस तरीके की पैकेजिंग मुझे रिसीव हुआ था मीशो से। ये भी बहुत छोटू मीटू से है, और अगेन ये भी मुझे 99 समथिंग कुछ के मिले हैं। इसमें जो पॉलिश है वो व्हाइट एंड गोल्ड, आई विश कि सिर्फ सिल्वर में होता तो ज्यादा प्रिटी लगता। बहुत ही बड़ा चोकर सेट है, मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको। इसमें आपको इयररिंग्स भी मिल रहे हैं, चोकर भी मिल रहा है जो कि बहुत खूबसूरत सा है,
और ये मुझे 350 और 299 कुछ के प्राइस में मिला है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो बहुत सुंदर से चांद बालीज हैं। इसमें मेरे पास सिमिलर डिजाइन में है, मैं एग्जैक्टली नहीं कहूंगी, सिमिलर डिजाइन में चांद बालीज हैं जो मैंने अभी अक्षय की शादी में वेयर किया है। तो ये इस तरीके की चांद बालीज हैं एंड आजकल ये बहुत सुंदर लगती हैं, आप ईद पे डेफिनेटली इनको वेयर कर सकते हैं। ये कुछ 240-249 का अलग अलग सेलर्स के पास अलग अलग प्राइस में है। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने पहले मीशो से लिया था बट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने हल्दी में वेयर किया था। कुकर स्वेट मैंने लिया था मीशो से गाइज। इस तरीके में आपको कलर ऑप्शन बहुत मिल जाएंगे, ये 850 और 900 समथिंग कुछ का है। एंड इसमें मैंने एक और ऑर्डर किया है जो मेरी ईद पे आएगा तो मैं डेफिनेटली वेयर करूंगी या दिखाऊंगी आपको। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो बहुत खूबसूरत एंटिक सा बैंगल है एंड दिस इज आउट लुक्स, दिस इज सो प्रिटी गाइज, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है एंड मैं इसकी फैन हो गई। ये बहुत ज्यादा हैवी है, इसका प्राइस भी यू नो 100 या 200 नहीं है, कुछ 350 और 400 रुपीज का ये सिंगल कड़ा है। तो ये कुछ ज्वेलरी पीसेस हैं जो मैंने मीशो से लिए हैं, जहाँ पे आपको प्राइजेस जो है बेस्ट प्राइस पे नहीं होलसेल प्राइस पे मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल एंड मीशो ऐप का लिंक होगा, मेक श्योर टू डाउनलोड। ओके अब व्लॉग इंजॉय करते हैं। ओके बहुत गर्मी लग रही है तो कोई भी नहीं आया अभी तक, लगवाने कोई नहीं गया, सब रेडी हो रहे हैं। मेरे को तो शूट करना है मेहंदी लुक। पहले ये तो बताना जरूरी नहीं, मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ, ये है मेरा लुक। खाना खाने जा रहे हैं सब रात में ताकि मेहंदी लगाने के बाद सब फ्री हो जाए आसानी से। मेरा तो कुछ भी कोई रश नहीं, मेरे पति से मैं लड़ना रहा, मैं लड़ाई करके बैठी हूँ अपने पति से। नहीं हुई है मेरी और मायंग की थोड़ी सी दोपहर में थोड़ी सी हल्की सी हो गई थी बातचीत, तो मैं थोड़ी सी नाराज़ हूँ। मायंग ने मुझे एक बार सॉरी बोला है और अभी तारीफ भी करी कि अच्छी लग रही हो। मैंने धो दी क्या? नहीं धोई नहीं, नहीं। ले लो यार तू, तुम्हारी वजह। खाने में घर में क्या बनाया? मम्मी ताई जी ने बनाया था आलू मटर दाल रायता सलाद चावल। मैंने दोबारा से अपनी डॉक्सिनेट स्टार्ट कर दी है तो इस पे से मुझे मेरी भूख दोबारा वापस लगने लग गई, नहीं तो मेरी भूख बिल्कुल मर गई थी। मामाक्षी की मेहंदी लग गई, आकांक्षा दीदी की लग गई, बुआ जी की लग गई, अभी काफ़ी लोग बाकी हैं, मम्मी वगैरह ताई जी। अब मैं बैठूँगी फाइनली। क्या ला रहे बेटा? ओ वाह, आ जाओ अद्विका, आ जाओ। अद्विका की भी मेहंदी लग गई तो बस अब मैं जा रही हूँ यहाँ से मेहंदी लगवाने। मैंने सोचा था शायद मायंग भी मेरे लिए मेहंदी लगवाएगा बट मायंग मेहंदी नहीं लगवा रहा है, तो क्या दूल्हे की भी मेहंदी नहीं लगी है, नो डांस नथिंग, कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। पलक की मेहंदी, कामाक्षी की, बुआ जी, अभी यहाँ पे दो लोग बाकी हैं। इतना शोर, बर्फी कौन खाता है नीचे कमेंट में बताना, कामाक्षी ने कहा बर्फी कौन खाता है, बर्फी दुनिया खाती है। खुशबू दीदी की मेहंदी ठीक है, इधर बढ़िया सा बड़ा सा लग रहा है, सच में इसे प्यार क्या क्या। मैं भी खाने जा रही हूँ पीछे, पूरा नाम लिखा डिजाइन से बनाया। ये देखो MAYANK, जैसे कि मैंने शायगा लिखवाया SHY। It's 10:30, 10:30 बजे तो पहले मेहंदी सबकी लग गई है।
अब सबने चेंज करना है ना। आकांक्षा दीदी सबसे हर चीज में पहले, रेस में सबसे आगे। आकांक्षा दीदी ने चेंज भी कर लिया है, लिप लाइनर रह गया, मेहंदी सूख गई है। शिट, ओह गॉड, पूरे घर में मेहंदी मेहंदी हो जाएगी। सुबह लगाऊंगी झाड़ू, सुबह लगेगी झाड़ू, अभी तो नहीं लगा सकते। कल बारात का दिन है और मेकअप आर्टिस्ट मैंने वैसे कैंसिल कर दी थी ड्यू टू दिस कोविड एंड ऑल। देखो कल निम्रा आ पाती है नहीं आती है। मेरा आउटफिट निकालना है, सब कुछ निकालना है। जा रही हूँ पहले मेकअप और रिमूव कर दूँ, बहुत भारी लग रहा है। मेरी कमर में भी 2 घंटा मेहंदी बैठ के लगवाना बहुत डिफिकल्ट है। सी पेट देख रहे हो कितना ज़्यादा टाइट हो रहा है खाना खाने के बाद। शादी कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, काम बहुत फैल जाता है। मेरे 3-4 दिन की ज्वेलरीज ऐसी फैली हुई थी, थोड़ा बहुत समेटा है, पूरा नहीं समेटा क्योंकि ज़्यादा छूने से बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। और मैंने ये जो कुर्ता लिया था मीशो से, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब इतना कम्फर्टेबल था, मुझे किसी में भी फील नहीं हो रहा। नीचे क्या चल रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। 11:30 बज रहे हैं, सफाई मैंने काफ़ी हद तक कर ली है। बेडशीट मैंने अभी चेंज नहीं करी है क्योंकि कल सुबह करूँगी और बारात वाले दिन, वैसे भी बारात 3 बजे के बाद नहीं करने, तो वी हैव सो मच टाइम। तो मैं 12 बजे के लिए निम्रा को बोल दूँगी। बाय द वे निम्रा इज़ माय मेकअप आर्टिस्ट, मैंने पहले बुक किया था, काफ़ी पहले बुक कर लिया था बट कोविड की वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ा। बट अभी सिर्फ फंक्शन के लिए, क्योंकि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो सिर्फ उसके लिए मैंने बोला है कि बारात वाले दिन के लिए, तो मुझे रेडी कर देना। तो जी हाँ, वो आएगी। मेरी दवाइयों का टाइम हो गया, मैं थोड़ी दवाई खा के, थोड़ी क्या मतलब दवाई खा के फिर नीचे जाती हूँ, दिखाती हूँ चल क्या रहा है नीचे। झाड़ू लगा दी मैंने, बहुत गंदा हो रहा था सारी, पूरे यहाँ से तो लॉक है पूरे घर में मेहंदी 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 मेहंदी। एक दिन ही बाकी है, हाल बता दियो फिर। यार पापा जला दो इसे, बाहर की लाइट बंद कर दी, गेम खेलो अंधेरे में। अंधेरे में कैसे खेलोगे, मेरा कैमरा ही नहीं दिखा पा रहा कुछ। इंतजार करो, गाइस दूध लेके मैं गरम गरम सोऊंगी। बाय द वे मम्मी ने मेरे लिए यहाँ पे पूरा एक बॉक्स, एक पेटी माल्टास की मंगा ली है। सुबह सुबह ऑरेंज जूस या फिर मौसमी का जूस बहुत हेल्दी है बेबी के लिए, तो इसलिए दूध 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 दूध। कितने खानी? चीज वाले लाने थे ना आपको, ये मैंने ठंडो बनियान है, हम लोग अभी रात में जीजू की डिमांड है, सबको 3 मिनट का टाइम मिलेगा। जीजू और प्रियांशु दो ब्रेक हो सकता है, पीछे वाला मैं बच गया। मयंक अच्छा नहीं लग रहा कैमरे में, तुम्हारी नाक के 2 छेद बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं सीधा डायरेक्ट। मयंक उठ जाओ, टेलीविजन प्रेम स्क्रीन बड़ी पिक्चर स्क्रीन में हिंदी में पर्दा लेना समझ पाए जा पर्दा हो रही है लड़ाई 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 काला कांडी है वो, मैंने काला कांडी बोला काला कांडी है वो, हम आपके हैं कौन। अब नेक्स्ट छोड़ो यार, लड़ाई रहने दो, हार गए। काला कंडी काला साउथ इंडिया डांस है, टर्न है ये, एक ही बड़ी की मूवी है। कौन से दो चांद चांद चा 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 आप तीर राम राम चरम सीमा चरम चरम। फाइनली शायक का आ गया चांस, लगा टाइमर लगा जल्दी प्रेशर टाइमर लगा मुंह में चला दिखा का टाइमर, शायद मुंह नहीं चलाना दिखा का टाइमर है इधर लग बीच में। ये शर्ट को हाफ करो, वाह बंद में कुछ और जुड़ना। अच्छा बंद में एक बार हाफ करेंगे टी पट्टी 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 पट्टी। आई नो गाइस दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू से गुड नाइट
अब इट्स टाइम टू से गुड नाइट, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं और 3 बजे हमारा दमशास खत्म हुआ है। मैंने 3 टर्न मेरी थी, 3 बार मैं गई और 3 बार मैंने सही एक्टिंग करी और मेरी टीम ने सही गैस करा। ये मयंक ने 2 बार किया, मयंक का भी 2 बार गैस ठीक निकला। एक वहीम ही है जिसको इंक्लूड किया गया है मेरे यहाँ से, क्योंकि हम ज़्यादा गैस को ले नहीं सकते हैं, जो सेफ है सिर्फ वहीं जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने 50 लोग लिमिट दी तुम्हारे घर ही पहले ना, सडनली जब शादी कैंसिल कर दो, अगर गवर्नमेंट ये बोल देती तो हम शादी भी कैंसिल कर देते। मयंक गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी रिसेंट में ना एक व्लॉग में एक वीडियो डाली थी और उसमें बोला कि आप लोग खुश कैसे हो रहे हो और लोग इतने लोग शादी कर रहे हो, आप डांस कैसे कर रहे हो और लोग मर रहे हैं। तो गाइस सिर्फ इतना ही बात है कि हाँ हम समझ रहे हैं सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए हम 25 लोगों में शादी कर रहे हैं, इसलिए हम 25 से 50 लोगों में शादी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी भी मजबूरी है। हम एंड 10 दिनों में शादी कैंसिल नहीं हो पा रही थी और शादी को शादी की तरह ही ट्रीट करा जाएगा, कुछ और नहीं। तो शादी में ऑब्वियसली इंसान खुश होता है, इंजॉयमेंट करता है, तो हम भी उसी तरीके से कर रहे हैं कि जस्ट फैमिली मेम्बर है, बट एटलीस्ट थोड़ा तो इंजॉयमेंट कर लें, क्योंकि दूल्हा दुल्हन के ऊपर जो ख्वाहिशें थी वो तो चली गई। और शादी से ना किसी का नुकसान नहीं हो रहा, खाने वाले से लेके टेंट वाले से लेके मेहंदी जो भी घर बैठा हुआ है उसको भी रोजगार मिल ही रहा है। 25 लोगों में करो या 50 लोगों में करो, तो हम यहाँ पे किसी का बुरा नहीं कर रहे और हमने सभी प्रिकॉशन ले रहे हैं, सब अपने अपना काम कर रहे हैं। हाँ हम लोगों को दुख है, हम लोग भी टेंशन में हैं हमारे सिचुएशन में, हमें पता है हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें जितनी प्लान आउट की गई थी वो सडन एंड टाइम पे हमें कैंसिल करनी पड़ रही है। तो अक्षय भी खुश नहीं है उस चीज को लेके, हम भी खुश नहीं है, बट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये जो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं यार, उस चीज सिचुएशन को समझो और बेवजह के बेकार की चीज़ें मत ही बोलो, क्योंकि सभी चीज़ें सेलिब्रेशन होती है। लॉकडाउन में भी की गई थी पिछले साल, इस साल भी लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने दिया है हमको ये राइट। और आई तो यहाँ पे व्लॉग में एंड कर रही हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ये जो मैंने बात बोली है प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इस पर भी कुछ लोग आके ज़रूर बोलेंगे। इट्स ओके, आदत सी है। ओके बाय, गुड नाइट। बारात का व्लॉग हम दोनों शूट करने वाले हैं, मैं और मयंक, कैसे वो नहीं पता पर करने वाले हैं। ओके बाय।